ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋ ਵੋਟ ਪੱਕੀ ਹੈ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਕੰਨ ਕੋ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ ਹਮਾਰੇ ਕੋ ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਏ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ ਤੋ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ बिल्कुल 100% बनेंगे 100% बनेंगे ये सब बाहरी कैंडिडेट आ रहे हैं हम देख के सोच के विचार करेंगे 370 थोड़ी देश के हुकूमत है ना गांधी जी के फैन हो या सरदार त्रिलोचन सिंह के अच्छा आ, किसको वोट दोगे किसके दुआएगी आप बताओ किसको आप भी बताओ ना नहीं नहीं फ्री की राशन मिल रहा अच्छा लोन मिल रहा मेरे को काम करने के लिए और क्या फायदा चाहिए मैं ये सोचता हूँ करनाल में सुधार क्यों नहीं होता करनाल डिस्ट्रिक्ट में सुधार क्यों नहीं होता चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे मोदी हो चाहे कोई भी एनी बॉडी पर्सन मिनिस्टर हो या चोर जब कतरे हमारे जेब काट जाना दिन का भी रात का भी मराठा 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 पूरा नाम बताइए एनसीपी एनसीपी को वोट जाएंगे वोट मोदी जी के फैन हो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी क्या कर रहे हो सब्जी बेच रहे हो सब्जी बेच रहे हैं जी लगा के नमस्कार मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज हरियाणा के अंदर चुनावी माहौल है और करनाल की बात करें तो करनाल के अंदर भी दो दो मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं दो दो मुख्यमंत्री मैदान में उतर चुके हैं और अन्य पार्टी की बात करें तो अन्य पार्टी भी जो है अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार चुकी है और भी अन्य पार्टी है आपको बता दें कि सभी जो है मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं किस तरह से मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ा जाए कई तरह की योजनाएं बनाई जा रही है हम भी जनता के बीच में पहुंचे हैं इनसे जानेंगे कि जनता किसको पसंद कर रही है किसको वोट देगी और पसंद अगर किसी को भी कर रही है तो क्यों कर रही है क्या कारण है तो चलिए जनता से ही बातचीत करते हैं एक बार बातचीत कर लेते हैं जो यहाँ पर मौजूद है जी अंकल जी किसको वोट दोगे मतलब नायक छाने का दूंगा वोट किसको दोगे बीजेपी को बीजेपी को दोगे नायक छाने को नायक छाने जी को दोगे वोट अच्छा नायक छाने जी को ही क्यों दोगे वोट क्यों ना मारे यार रेडी रेडी लगवाई है ना भगा दी थी अच्छा किसने भगा दी थी रेडियां वो तो पता नहीं कमेटी के मोटे वाले ने भगाई थी कमेटी वालों ने भगा दी थी भाई नायब सैनी जी को जो है वोट देंगे और बात भी करी है कि भाई यहाँ से सब्जी मंडी हटा दी थी कमेटी वालों ने अब यहीं पे लगवा दी है मुख्यमंत्री जी ने आप किसको वोट दोगे अंकल जी बेटा बीजेपी की वोट है सारी और बीजेपी बनाने का फायदा है वैसे वोट खराब करने किसी न करो अच्छा हाँ बाकी तो दुनिया फिर ही है लाठी का शोर बंद हो है कुछ नहीं अच्छा बीजेपी को ही वोट क्यों देंगे आप बीजेपी ने ये काम कर रही है देश के हक में काम कर रही है देश के हक में काम कर रही है बीजेपी हमारे लिए नहीं कर हमने अपने लिए नहीं चंदा देश के हक में देश में अच्छे काम होने चाहिए कांग्रेस ने 70 साल सरकार चलाई क्या करे देश के हक में देश के टुकड़े बना रखे थे कुछ करे अच्छा तो भाजपा ने क्या कुछ काम किया भाजपा ने देश के हक में सारे काम करे 370 थोड़ी देश के हक में था ना मंदिर बनाया जो 5000 साल पुराना था उस पर कांग्रेस ये कहती थी खून की नदियां बह देंगे और दूसरी जो मुस्लिम थे मैं भी नौबत खून की नदियां बह देंगे कुछ भी नहीं किसी के थप्पड़ भी नहीं लगे कोई रोया नहीं कोई मोदी जी के फैन हो हाँ बिल्कुल है अच्छा मोदी जी काम कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं देश के तीसरी बार फिर से कमल खिलाओगे बिल्कुल खिलाओगे भाई तीसरी बार फिर से कमल खिलाएंगे और भी यहाँ पर मौजूद है उनसे भी बातचीत कर लेते हैं जी अंकल जी किसको वोट दोगे लोकल को देंगे हम तो लोकल कौन है मराठा 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 पूरा नाम बताइए एनसीपी एनसीपी को वोट जाएंगे अच्छा एनसीपी ने क्या किया आपके लिए हमारा लोकल है 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं इसको मौका नहीं मिल रहा है सबके बाहर वाले आओ यहाँ बाहर वाले को भेज दो अच्छा बाहर वाले आते हैं बाहर वालों को भेज लेकिन काम ही नहीं होते यहाँ अच्छा वीरेंद्र मराठा करनाल के लोकल है यहाँ के अच्छा लोकल ही है तो क्या लगता है इस बार बिल्कुल आएगा जी 100% अच्छा जी किसको वोट दोगे हाँ जी हम तो वोट दोगे मोदी के देंगे वोट मोदी जी के फैन हो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी क्या कर रहे हो सब्जी बेच रहे हो सब्जी बेच रहे जी लगा के अच्छा रोज यहीं पे सब्जी बेच रहे हाँ जी हाँ जी हाँ जी अच्छा तो मोदी जी ने ऐसे क्या काम कर दिए जो आप मोदी जी के फैन हो गए काम तो बहुत किया उसने कितना नाम लो हाँ कोई एक तो बता दो काम तो बता दो फ्री की राशन मिल रहा अच्छा लोन मिल रहा मेरे को काम करने के लिए और क्या फायदा चाहिए और बताओ रोजगार के लिए लोन मिल रहा है फ्री का राशन मिल रहा है मोदी जी के फैन हो चुके हैं अंकल जी किसको वोट दोगे अभी कोई विचार नहीं है जी विचार क्यों नहीं है 25 तारीख को चुनाव हाँ 25 को चुनाव जुड़ रहे विचार नहीं है सभी पार्टियाँ मैदान में भी है आप बताइए किसको वोट देंगे ये सब बाहरी कैंडिडेट आ रहे हैं हम देख के सोच के विचार करेंगे बाहरी कैंडिडेट आ रहे हैं हाँ कांग्रेस से बाहरी है
आप किसको वोट देंगे अंकल? जिसने तो अभी पहले से ही कमल का फूल किसने भी तो नहीं है जी, बताइए आप भाभी। कमल का फूल है और खट्टर साहब की तस्वीर है, दोनों मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है? बिल्कुल 100% बनेंगे, 100% बनेंगे। आप किसको वोट दोगे? बीजेपी। बीजेपी को वोट दोगे? ऐसा क्या करवा दिया बीजेपी ने? उसके अलावा कोई पर्सन है नहीं दूसरा मैम, बीजेपी के अलावा दूसरा पर्सन कोई है ही नहीं। किसके फैन हो, खट्टर साहब के, मोदी जी के या नाम सैनिक के? मोदी जी के। मोदी जी के फैन हो? खड़ा कोई भी हो, वोट तो पड़ेगा कमल के साथ। हाँ जी, मैं ये सोचता हूँ करनाल में सुधार क्यों नहीं होता, करनाल डिस्ट्रिक्ट में सुधार क्यों नहीं होता, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे मोदी हो, चाहे कोई भी एनी बॉडी पर्सन मिनिस्टर हो, या चोर जेब कतरे हमारे जेब काट जाना दिन का भी रात को भी, कोई सुधार नहीं होता। पहले वोट की बात छोड़ो, पहले सुधार की बात करो। सुधार तो जब भी होगा ना, जब कोई आप सही उम्मीदवार चुनोगे। ये गलत बात है, कोई तो सरकार आएगी जो सुधार करेगी, किसी सरकार को तो ये जो हमारा सुधार कर सके। हाँ तो कौन है वो, ऐसी कौन सी सरकार? मैं ऐसी सरकार को तो दोनों कानों को हाथ लगा के ये कह रहा हूँ, हमारे को ऐसी सरकार आना चाहिए जो हमारे पब्लिक का, गरीब बंदे का सुधार कर सके। अच्छा, दो रोजी रोटी दे सके। सरकार है कौन? सरकार मैं आपसे पूछूं, आपको सरकार कौन सी होनी चाहिए? आप बताइए आपके हिसाब से कौन सी होनी चाहिए? मेरे को तो सरकार वो अच्छी लगे जो हमारे सुधार कर सके। वो कोई नाम तो होगा, बीजेपी है, कांग्रेस है, बसपा है, जेजेपी है, इनेलो है, बहुत सी पार्टियां है, एनसीपी है। सपोज दैट आप पढ़े लिखे इंसान हो, बीजेपी का नाम क्या है आप बताओ? बीजेपी का फुल फॉर्म क्या है आप बताओ? इसको कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये पैसे वाले की उम्मीदवार है। अच्छा, वोट किसको दोगे? वोट तो हमारी मर्जी, हम जिसको मर्जी देंगे। तो बता दोगे? आप तो बता नहीं तो बच्चे को कांग्रेस लूं। अच्छा, कांग्रेस को वोट? पक्की गल है, पक्की गल है। ऐसा क्या कर दिया कांग्रेस ने? कांग्रेस को दे रहे, ऐसा क्या करेगी कांग्रेस जो भाजपा ने नहीं किया? भाजपा ने क्या किया आप बताओ ना, कांग्रेस क्या करेगी? उत्तर आगे सब 73 साल उम्र होगी है। अच्छा। हर साल बंदे रहने, बंदा कहीं आया कभी आए, कितना कुछ कुछ नहीं है, बहुत सभी अंदर सलाह अपना कर रहा है। राहुल गांधी जी के फैन हो या सरदार त्रिलोचन सिंह? त्रिलोचन सिंह के। अच्छा, तो भाई जनता के बीच में पहुंचे थे, चुनावी माहौल है और किस तरह से देख सकते हैं सभी के सभी जो है मोदी जी के फैन है और कह रहे हैं करनाल के अंदर जो है कमल का फूल ही खिलाना है। और आपको बता दें कि कोई जो है कांग्रेस की भी बात कर रहा था, कोई एनसीपी की बात भी कर रहा था, लेकिन ज्यादातर जो है मोदी जी के फैन थे। वीडियो को शेयर भी जरूर करते रहिए और कमेंट में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा और ये देखना होगा कि 2024 में किसकी सत्ता रहने वाली है। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।